अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा सलमानी। तो आज हम बनाने वाले हैं ये पर्पल याम, इसे हिंदी में कंद भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ बेनिफिट की बात कर लेती हूँ। तो ये एक स्टार्ची रूट वेजिटेबल है। इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में कार्ब, पोटाशियम, प्रोटीन, फाइबर, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी होता है। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। ये लो ब्लड प्रेशर के लिए भी बेनिफिट है। ये अस्थमा के लिए बेनिफिट है। ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और इसे कई तरीक़ों से पकाया जा सकता है, लाइक फ्राइड कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं एंड इसका सूप बना सकते हैं। तो आज इसे मैं फ्राई करके आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये कंद हमने ले लिया है, इसे हमें अच्छे से पील करके इस पानी में हमें इसे अच्छे से धो लेना है। अब हमने इसे धो लिया है, इसके हमने चिप्स बना लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको चिप्स बना लेना है इसका। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है इसका कुछ ड्राई मसाले देख लेते हैं। तो ड्राई मसाले में हमने यहाँ पर लिया है नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। तो अभी हम इन सब मसालों को जो है अपने चिप्स में ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो मसाला जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है, तो इसी तरीके से आपको भी मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हम जो है इसे लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरीके से पकाना है पलट पलट कर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में जो है वो ऑयल चढ़ा दिया है और अभी जो है इस वक्त हमारा फ्लेम जो है वो हाई है, ठीक है। अब इसमें हम जो है धीरे धीरे एक एक करके अपनी सारी चिप्स को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सारे चिप्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम ढककर 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख देंगे। तो 5 से 6 मिनट बाद मैंने इसे एक बार चेक किया था बीच में भी और इसे हम अभी जो है पलट कर फ्राई वापस से 5 से 6 मिनट और फ्राई कर लेंगे। तो अभी ये हमारा कुक हो चुका है अच्छे तरीके से। इसे कम से कम मुझे जब मैंने पलट के इसे वापस से फ्राई करी तो मुझे 10 मिनट लगे हैं। तो आप भी इसे बीच बीच में एक बार चेक कर लेना। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यही है हमारा फाइनल कंद पर्पल याम रेसिपी। तो आप भी इसे बनाइए और खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।